सिस्टम केजरीवाल जी हैं, जो करते हैं उन्हें करने नहीं देते। मैं आप ये बताइए कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती है, बताओ मुझे। क्या आज तक ईडी ने कई मोदी के नेताओं पकड़ा, आज तक नहीं पकड़ा? 250 रुपये मालिक को देते हैं, 250-300 रुपये लेके जाते हैं। अच्छा, बस इतना ही कमा पाते हैं? नहीं, होता है काम, रोड पर काम है, एक अबर रोड का काम तो सारा मोदी खा गया ना। आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार, रोजगार सबसे बड़ी चीज है। केजरीवाल ने तो यहाँ को सुविधा दे दी लोगों को, बहुत अच्छी बस चला के फ्री बसे फ्री, तो वो उससे हमारा थोड़ा फर्क पड़ा है वोटों को। सरकार तो ये है कि बच्चे खाली रहते हैं, इनको रोजगार चाहिए, मिलनी चाहिए और महंगाई सस्ती होनी चाहिए। वो नारे लगा रहे, आपको लग रहा है कि मोदी लहर है? देखो, किस्मत है किसकी कहाँ पलट जाए, कुछ नहीं कह सकते। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। मैं हूँ अभी पूर्वी दिल्ली में, यहाँ के सांसद रह चुके हैं गौतम गंभीर, और अभी क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उनको तो टिकट मिला नहीं, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाह रहे चुनाव। अभी यहाँ से हर्ष मल्होत्रा है भाजपा की तरफ से प्रत्याशी, और आम आदमी पार्टी के तरफ से हैं कुलदीप कुमार। क्योंकि गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो उन दोनों ने अपनी अपनी सीट विभाजन की है, 4 और 3 पे आंकड़े हैं कि 4 सीट एक को और 3 सीट एक को। तो यहाँ से जो पूर्वी दिल्ली से वो है आम आदमी के प्रत्याशी वर्सेज हर्ष मल्होत्रा यानी कि भाजपा के तरफ से। तो यहाँ से लोगों से पूछेंगे यहाँ पे कि काम किया है गौतम गंभीर ने और अभी वो किसको पसंद, किसको देखना चाहेंगे, मतलब यहाँ के लिए सांसद के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं, मेरा उमेश सिंह है। उमेश सिंह है, कुछ काम वाम किया था यहाँ पूर्व सांसद जो थे? मैम देखिए, जो भी पार्टी आती है कहती है हमने करा, हमने, जो जनता के साथ हम तो उसे मानते हैं। इस टाइम केजरीवाल जी हैं, जो करते हैं उन्हें करने नहीं देते। मैम आप ये बताइए कौन सी पार्टी भ्रष्टाचार नहीं करती है, बताओ मुझे। क्या आज तक ईडी ने कई मोदी के नेताओं पकड़ा, आज तक नहीं पकड़ा ना? आप क्या चाहते हैं मोदी के नेता पकड़ा जाए? मैम ऐसा कौन है जो भ्रष्टाचार नहीं करता, जो नहीं कमाता पॉलिटिक्स, बताओ मुझे यार, कौन नहीं कमाता पॉलिटिक्स के, सब कमाते हैं। ईडी सीबीआई पे भरोसा नहीं है? अरे मैम क्या भरोसा है, जनता जनता के लिए कर रहे हैं, उन्हें कुछ कर रहे हैं तो करने दे रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए। मैम इनसे पूछिए आज तक कभी। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कौन सी समस्या है, मेन समस्या जिस पे आप चाहेंगे कि वो काम करें? मैम देखिए, मैम तो ये है कि गरीबों को जो चीज़ें मिलना चाहिए। क्या मतलब, क्या क्या चीज़ें? राशन वगैरह? मैम राशन है, और जो मूल सुविधाएं हैं, और ये झुग्गी हैं, पक्के मकान हो इनके, सब बंद कर। हाँ, ये चाचा यहाँ पे बाल काट रहे हैं, तो यहीं पे रहते हैं चाचा? लोगों बात सुन सा करो, मैं जरा बाल काट। अच्छा, कोई नहीं, आप बोलते रहो ना, मैं बोलता हूं। अच्छा, बाल खराब हो जाएगा। अच्छा, तो आप इतना बताइए कि कमा कितना लेते हैं आप दिन भर में, मतलब जो मतलब भत्ता उत्ता चल जाता है, खर्चा पानी? टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है, आप बाल कटवा रहे हैं, कैसा है माहौल यहाँ का? जी सही है, जो चल रहा है सही है, चल रहा है, सही चल रहा है। बच्चों को पूरी झाड़ी मिले और ठेकेदारी खत्म कराओ, मेन समस्या ही है, ठीक है? हाँ आप बोलिए। क्या आदमी को रोजगार चाहिए, रोजगार, रोजगार सबसे बड़ी चीज है। काम क्या करते हैं आप? ऑटो ड्राइवर हूँ मैं। ऑटो ड्राइवर है? हाँ जी। तो सही तो है, ऑटो है अपना, क्या दिक्कत? ऑटो है, किराए का है। अच्छा, किराए का ऑटो? हाँ जी। महीने में कितना कमा लेते हैं? महीने में डेली वेज बोलो ना, डेली वेज 500 रुपए है। डेली वेज 500 रुपए? 500। 400 रुपए तो मालिक को देते हैं? 250 रुपए मालिक को देते हैं, 250-300 रुपए अपने घर लेके जाते हैं। अच्छा, बस इतना ही कमा पाते हैं? इतना ही होता है काम, रोड पे काम है, एक अब रोड का काम तो सारा मोदी खा गया ना। मोदी खा गया या केजरीवाल? कह रहे बस चला के। केजरीवाल ने तो यहाँ को सुविधा दे दी लोगों को, बहुत अच्छी, कह रहे की बस चला के फ्री बसे फ्री, तो वो उससे हमारा थोड़ा फर्क पड़ा है ऑटो को। बस से ऑटो को फर्क नहीं पड़ा? हमें नहीं पड़ा। कहते हैं बस का किराया, ऑटो सवारी ऑटो में जाएगी, बस की सवारी बस से जाएगी। केजरीवाल को ज्यादा पसंद करते हैं इसीलिए? पक्का। तो लोग कहते हैं कि ऑटो चलाने वाले को केजरीवाल ने थप्पा बोल दिया, उसी के वजह से खत्म हो गया? नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक और बुजुर्ग है, चाचा है, क्या कहेंगे, कुछ काम वाम हो रहा है कि नहीं? काम धंधा कहाँ हो रहा, हम तो ठाली पड़े हैं जी, बेकार में। कहना आपको, अब इस उम्र में काम करना चाहते हैं? नहीं चाहते ना, तो फिर जब इस उम्र में काम ही नहीं करना चाहते तो बैठे रहिए। बैठे ही हैं तो और क्या कर रहे हैं हम? बच्चे बच्चे काम कर रहे हैं? हाँ, बच्चे हमारे काम कर रहे हैं। काम है, रोजगार है? हम पर रोजगार है, बच्चों पर। आप क्या कहेंगे? नौकरी है। आप तो बाल काट रहे थे, बाल काटते काटते भी बोल लेते नौकरी है। अच्छा, नौकरी है उनके बच्चे, तो आपके घर में कोई नहीं है नौकरी करने वाला? अब बोल लीजिए चाचा, कोई नहीं है घर में काम करने वाला? सब हैं, बहुत रहे कर रहे बालक का। अच्छा, ये बाल काटने का कितना पैसा लेते हैं? 30 रुपए। क्या कहेंगे आप, मुस्कुरा रही हैं,
कुछ काम वाम हुआ है या नहीं? काम होता है, मजदूरी करते हैं जब मिलता है पेट में खाने को। आप भी करती है मजदूरी? और क्या, क्या काम करती है? झाड़ू बर्तन करते हैं हम तो, सफाई बर्तन घर का। पति कोई काम करने वाला, बच्चे वच्चे नहीं है? नहीं। आप रो रही है? अच्छा बच्चे नहीं है आपके काम करने वाले? ना बच्चे छोटे हैं। बच्चे छोटे हैं? अच्छा ये जो दुख है, आप एक तो हंस भी रही हैं और रोने जैसा भी आपका दिल हो रहा है, ये क्यों? मतलब एक तो झाड़ू पोछा आप करती हैं, सुविधा मिल रहा है सरकार की तरफ? कुछ नहीं है अभी, कह रहे हैं बसें फ्री हैं, राशन वासन। ये तो राशन बसें तो फ्री है, राशन भी फ्री है, ये तो चीज फ्री है। अच्छा बच्चे पति है नहीं या फिर है? हैं। और क्या, छोड़ दिया है? नहीं है अब छोड़े। तो काम तो करते हैं ना? काम नहीं करते, भी कुछ भी पीते खाते हैं काम नहीं। और क्या, बिजली का बिल भी, बिजली का बिल भी फ्री है अभी तो। क्या हंस रही है दादी, हम खुश हो के बोले बिजली का बिल भी फ्री है, तो मतलब केजरीवाल से खुश है? पानी, बिजली, सभी चीज़। और क्या, ये मुस्कुराहट अच्छा लग रहा है कि भाई हंस रही है, बिजली फ्री है तो हंस रही है। अच्छा सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से ये है कि इन बच्चे खाली रहते हैं, इनको रोजगार चाहिए, मिलनी चाहिए, और महंगाई सस्ती होनी चाहिए। महंगाई सस्ती होनी चाहिए, ये तो महंगाई है। अच्छा काम धंधे है नहीं, महंगाई इतनी कर रखी है। अच्छा क्या क्या सस्ता होना चाहिए, अगर दो चार चीजों का नाम अगर ले ज्यादा तो क्या क्या? खाना पीना, खाने पीने वाली चीजें यही है बच्चों का। हाँ, मतलब दूध वगैरह सस्ता। और क्या, चावल दाल है ना? और क्या? अच्छा तो सरकार सुखा राशन दे रही है। केजरीवाल और मोदी जी में किसको आप ज्यादा नंबर देंगी, मतलब किसको ज्यादा पसंद करती? अब जो आज जो आएगा उसी को। अरे दादी 50-50 खेल रही है, ज्यादा मतलब दिक्कत ना हो जाए। हाँ मतलब केजरीवाल को या फिर केजरीवाल को या मोदी जी को? अरे हमारे नहीं तो जो है, कोई भी आ जाएगा सभी एक काम बस करे, है ना? काम तो हम ही करना, प्रधान तो वही बनेंगे, कोई भी आ जाएगा। आप दोनों जानती हैं एक दूसरे को? नहीं आते जाते रहे, जानते ही होंगे पड़ोसन। ये सही है, कोई है बस बैठ के बात करें। अच्छा ठीक है ठीक है, और भी लो, इधर एक और महिला है। मोबाइल तो आपका बहुत अच्छा है, ये भी मिला हुआ है काम पे से। क्या काम करती है? कोठी में काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाना बनाती है जी, किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहती हूँ घर में, और सब लोग काम करते हैं? आदमी है, दारू पीता है। ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है कि जिसके भी आदमी है, यानी आदमी का इन द सेंस आप समझ लिए पति, जो भी पति है वो पता नहीं क्यों दारू पीते हैं। उनके भी पति दारू पीते हैं और इनके भी पति दारू पीते हैं। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मशीन लगाते हैं उस वाले पुल पे, कमाते तो कमाते भी हैं, दारू भी पीते, दारू पी जाते हैं। आप अपने पैसा का क्या करती? मैं तो किराए पे रहती हूँ, बच्चे हैं। आप अपने पैसों का किराया देती हैं? किराया देती हूँ, खाने पीने का। पति का कोई फायदा नहीं? नहीं, कभी 200 दे दिए, कभी 100 दे दिए, ऐसे ही है। किराया जाता 4,000। मना नहीं करती है कि भाई पीते क्यों? बुड्ढे होते, बुड्ढे हो चले, इतने 50 से ऊपर 55 के होंगे। जवानी में ही कंट्रोल की होती तो ऐसे ही पीते हैं। अच्छा कहते हैं पत्नियां तो अपनी सुधारने के लिए पति को मारती भी हैं, कूटती हैं, कभी की है ऐसा? नहीं, चलो सही है, कोई नहीं। तो उनको समझाइए कि नहीं पीने के लिए। बहुत समझाते हैं, बड़ा लड़का है, शादी होगी उसकी, कैसे कैसे भी गुजारा भत्ता कर रही है। अच्छा यहाँ पे यहाँ के सांसद रह चुके हैं गौतम गंभीर, मालूम है आपको? सांसद मतलब नहीं मालूम होगा, यहाँ का जो रोड वोड का समस्याएं है ना वो उनके हाथ में, तो कैसा काम आपको लग रहा है, उन्होंने कैसा काम किया? काम तो ठीक ही करा है। क्या नाम है आपका? जॉनी। जॉनी, कुछ काम वाम हुआ है यहाँ के सांसद ने, कुछ काम किया है? नहीं, गौतम गंभीर जो थे, नहीं कोई काम नहीं करा। अभी एक आम आदमी वर्सेज भाजपा हो रहा है, तो आप क्या चाहेंगे किसके नेता यहाँ पे बने? यहाँ तो सरकार चेंज होनी चाहिए, मतलब भाजपा को बदलना चाह रहे हैं? हाँ, भाजपा भी और केजरीवाल दोनों को बदलना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा नहीं, सरकार कांग्रेस आनी चाहिए, उसने कुछ काम भी किया था कांग्रेस ने। अच्छा यहाँ पे मेन जो मूल रूप से समस्या है वो कौन सी? समस्या तो ये रोड की समस्या ज्यादातर आजकल है कि रोड भी सही नहीं है, सारे टूटे फूटे रोड है। कुछ लोग कह रहे हैं पानी की समस्या, तो पानी तो केजरीवाल के अंदर में आ रहा है। पानी समस्या तो है ही है, पानी तो आ ही रहा है, बहुत जगह आ रहा है गली में, बहुत जगह नहीं आ रहा गली में, पानी की दिक्कत तो हो ही रही है। पानी की दिक्कत हुई थी, इसके लिए केजरीवाल को जो आप कह रहे हैं कि वो भी आए सांसद में, ये तो सीट की लड़ाई हो गई फिर। काम तो कोई नहीं कर रहा है? काम तो कोई नहीं कर रहा हा? जो काम करा कांग्रेस ने, काम करा जो भी है कांग्रेस ने काम करा है। तो अभी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में है, तीन सीटें कांग्रेस की और 4 सीटें आम आदमी पार्टी की, तो इस यहाँ से आम आदमी पार्टी है। तो मतलब जो आप कह रहे हैं कि
काम नहीं हुआ, पानी नहीं आ रहे, तो फिर केजरीवाल ने भी तो कुछ खास काम तो भी खास किसी ने करा नहीं, इस विश्वास नगर में कोई काम नहीं करा ढंग से। अभी पहले सीट की लड़ाई है ना, सीट की लड़ाई है। अच्छा, अगर लोकसभा चुनाव के लिए बोलेंगे कि कांग्रेस वर्सेज मोदी जो हो रहा है, कांग्रेस वर्सेज भाजपा, तो 400 पार के नारे जो लगा रहे हैं वो है, आपको लग रहा है 400 ऐसे है? देखो वो तो चुनाव आने के बाद होगा, क्या होगा क्या नहीं है अभी आप कुछ नहीं कह सकते। अच्छा। कि 400 पार या 300 पार अभी कुछ नहीं कह सकते आप। 400 पार वो तो बाद की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता वो तो राजनीति है, उसके बाद देखते हैं जितने बाद कौन किसकी कितनी सीटें हैं वो तो वक्त बताएगा क्या टाइम है क्या नहीं है, अभी कुछ नहीं कह सकते। जो वो नारे लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मोदी लहर है, होनी चाहिए? किस्मत है किसकी कहाँ पलट जाए कुछ नहीं कह सकते आप।